Hello friends, welcome back at my YouTube channel. So today we are going to read V.S. Naipaul in this video and here are some important points. हम कर रहे हैं यहाँ पर preparation JSE lecturer exam की. एक comment मुझे मिला था कि 20 जून को exam है प्री का, आप कैसे कह सकती हैं. तो again I would like to tell you here कि लोक सेवा आयोग का exam calendar जारी कर दिया गया और उसी में date दी हुई है कि इसका प्री JSE lecturer का प्री एग्ज़ाम 20 जून को है. सो फ्रेंड्स, टाइम बहुत ही लिमिटेड है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. V.S. Naipaul ट्रिनिडैड नॉवलिस्ट हैं, इंडियन डिसिडेंट के. एक्चुअली इंडियन डिसिडेंट से मतलब होता है कि जो नेटिव ऑफ इंडिया थे, भारत के रहने वाले लोग थे, लेकिन वो दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर गए, दूसरे कंट्रियों में बस गए जा करके. तो वो इंडियन डिसिडेंट थे. और ट्रिनिडैड जो है, तो ये V.S. Naipaul ट्रिनिडैड नॉवलिस्ट हैं. एक्चुअली एक कोरेबियन जो कंट्री है वहाँ से रिलेटेड है ये. स्पेन हम सब कह सकते हैं कि पोर्ट ऑफ स्पेन का भाग है ट्रिनिडैड, जो नॉवलिस्ट कहे गए हैं उन लोगों को. तो व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ V.S. Naipaul? तो V.S. Naipaul का फुल नेम क्या है? तो सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल है. सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल TC इज़ द फुल नेम ऑफ V.S. Naipaul. ऑलरेडी मैं कई राइटर्स पे लेक्चर्स दे चुकी हूँ और वो वीडियोस आपने नहीं वॉच किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो उनको भी आप जरूर वॉच कर लें. अब V.S. Naipaul का बर्थ कब हुआ था? 17 अगस्त 1932 ट्रिनिडैड एंड टोबैगो जो प्लेस है वहीं पर इनका जन्म 17 अगस्त 1932 को हुआ था. डाइड इन 11 अगस्त 2018 लंदन UK. लेकिन डेथ इनकी कहाँ हुई थी? यूनाइटेड किंगडम लंदन में इनकी डेथ हुई थी 11 अगस्त 2018 को. बुकर प्राइज़ 1971. V.S. Naipaul को मान बुकर प्राइज़ दिया गया 1971 को. अभी हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे किस वर्क के लिए उनको मान बुकर प्राइज़ दिया गया था 1971 में. नेक्स्ट पॉइंट है नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर. तो नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, उनको जो लिटरेचर का नोबल प्राइज़ मिला वो 2001 में मिला. सभी फैक्ट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल रट लेने वाले हैं. तो 2001 का नोबल प्राइज़ V.S. Naipaul को, लिटरेचर का नोबल प्राइज़ 2001 में मिला. अब इनके फादर जो थे, उनके फादर का नेम था श्री प्रसाद नायपॉल इनके फादर का नेम था. इनकी मदर का नेम था द्रौपदी कैपिलडियो इनकी मदर का नेम था. अब कुछ इनके नोटेबल वर्क्स हैं, उनको मैंने नोट डाउन किया है विद द ईयर. तो सबसे पहले अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, ये 1961 में ये वर्क आया इनका और इसने इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई. अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास 1961. नेक्स्ट है द मिस्टिक मेजर 1957. मिगुल स्ट्रीट 1957, ये दोनों ही बुक इनकी 1957 में आई थी. एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये 1964 में थी. आगे अभी हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा इनका आप पढ़ेंगे कि क्या इनका जोनर है और क्या इनकी मेन थीम है. नेक्स्ट है इन अ फ्री स्टेट ये नॉवल इनका है 1971 में. द मिमिक मैन 1967. द मिडिल पासेज 1963. अ बेंड इन द रिवर 1979. भारत एक आहत सभ्यता 1976. गुरिलाज 1975. द इनिग्मा ऑफ अराइवल 1987. एमंग द बिलीवर्स 1981. इंडिया अ मिलियन म्यूचनीज नाउ 1990. नेक्स्ट है हाफ अ लाइफ 2001 में आया. एंड द राइटर एंड द वर्ल्ड 2002. नेक्स्ट है मैजिक सीड्स 2004. तो ये कुछ मैंने नोटेबल वर्क्स ही नोट डाउन किए, बाकी तो इनके कई और नॉवेल हैं भी. नेक्स्ट ही वॉज एजुकेटेड एट पोर्ट ऑफ स्पेन इन द कैरिबियन आइलैंड एंड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो जो V.S. Naipaul की एजुकेशन हुई थी वो पोर्ट ऑफ स्पेन में और कैरिबियन जो द्वीप था वहीं पर पोर्ट ऑफ स्पेन के ही स्कूलों से इनकी एजुकेशन हुई थी और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे. नायपॉल सेटल्ड इन इंग्लैंड इन 1950. तो नायपॉल इंग्लैंड में कब सेटल हुए थे? 1950 में. नायपॉल रिसीव्ड अ नाइटहुड इन ब्रिटेन
नाइटहुड की उपाधि से नायपॉल को कब सम्मानित किया गया था या कब नायपॉल ने ब्रिटेन के नाइटहुड की उपाधि को प्राप्त किया था, तो 1990 में। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉवल एमिगल स्ट्रीट इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड स्टोरीज बाय नायपॉल सेट इन वॉर टाइम ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। तो मिगल स्ट्रीट, अभी हमने स्टार्टिंग में ही इसमें पढ़ा था जो नोटेबल वर्क्स थे, कि मिगल स्ट्रीट जो है 1957 में पब्लिश हुआ था इनका ये नॉवल। तो ये जो नॉवल है इसमें लिंक्ड शॉर्ट स्टोरीज हैं, नायपॉल ने शॉर्ट स्टोरीज लिखा है वॉर टाइम की, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वॉर टाइम की स्टोरीज को लिखा हुआ है। नेक्स्ट है दीज स्टोरीज आर बेस्ड ऑन द ऑथर्स चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ये जो कहानियाँ हैं सारी ही ऑथर के बचपन की यादों पर आधारित हैं, जो स्पेन पोर्ट ऑफ स्पेन, स्पेन के पोर्ट की उनकी मेमोरीज थी उन्हीं पर बेस्ड है, चाइल्डहुड मेमोरीज पर बेस्ड हैं मिगुल स्ट्रीट की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं। नेक्स्ट है द मिस्टिक मेजर इज़ अ कॉमिक नॉवल। दूसरा नॉवल हमने मिस्टिक मेजर अभी नोटेबल वर्क्स में देखा था, ये भी 1957 में ही पब्लिश हुआ था और ये एक कॉमिक नॉवल है। सेटिंग इज इन कॉलोनल ट्रिनिडेड एंड पब्लिश्ड इन लंदन इन 1957। तो इस ये कॉमिक नॉवल है और इसकी जो सेटिंग है वो कॉलोनल ट्रिनिडेड की है और लंदन में ही पब्लिश हुआ था 1957 में। द मिस्टिक मेजर इज कंसिडर्ड फर्स्ट नॉवल ऑफ नायपॉल। मिस्टिक मेजर को नॉवल नायपॉल का फर्स्ट नॉवल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज़ अ 1961 नॉवल। तो एक चीज़ ये है कि मिस्टिक मेजर 1957 में आया था और मिगुल स्ट्रीट ये भी 1957 में आया था। तो जो नायपॉल के नॉवेल्स थे 1957 से स्टार्ट हुए थे पब्लिश होना, उसमें सबसे पहला है, तो ये दोनों ही 57 के, इसलिए ये क्लियर, ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इनका सबसे पहले मिस्टिक मेजर आया था कि मिगल स्ट्रीट। तो मिस्टिक मेजर पहले आया था क्योंकि मिस्टिक मेजर इज़ कंसीडर्ड हिज फर्स्ट नॉवेल। नेक्स्ट पॉइंट अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज़ अ 1961 नॉवल। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इस नॉवल ने इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी और ये नॉवल आया था 1961 में। इट इज़ द स्टोरी ऑफ मोहन विश्वास। ये जो कहानी है मोहन विश्वास की कहानी है, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो मोहन विश्वास है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी जो स्टोरी है वो उनके फादर के, फादर पर बेस्ड है, फादर की लाइफ पर बेस्ड है थोड़ा सा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है द मॉडर्न लाइब्रेरी रैंक दिस नॉवल 72 ऑन द लिस्ट ऑफ द 100 बेस्ट नॉवल ऑफ द 20th सेंचुरी 1998। तो इस नॉवल को 20th सेंचुरी की 100 बेस्ट नॉवल्स की लिस्ट में 72 नंबर की रैंक मिलती है और ये 1998 में मॉडर्न लाइब्रेरी ने जो एनालिसिस किया था उसमें ऐसा उन्होंने इसको 72 रैंक इसको दी थी, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नॉवल को। द थीम ऑफ द नॉवल इज एलिनिएशन। तो मेन थीम इसकी क्या है, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नॉवल की मेन थीम एलिनिएशन है। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1964 में एंड इज अ ट्रेवलॉग डिटेलिंग नायपॉल ट्रिप थ्रू इंडिया इन द अर्ली 60s। ये एक ट्रेवलॉग है, ट्रेवल नॉवल है, ट्रेवल फिक्शन है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, और ये नायपॉल की ट्रिप को बताता है जो कि इंडिया में उन्होंने की थी 60s में, अर्ली 60s में ना इंडिया वो आए थे, उनकी उसी ट्रिप के का एक्सपीरियंस है, उसी ट्रिप को बताता है ये इनका नॉवल एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस नॉवल का जोनर क्या है, तो ये कि ट्रेवलॉग है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट है वन ऑफ द इंडियन ट्रायोलॉजी विच इंक्लूड्स। और ये जो एन एरिया ऑफ डार्कनेस है, ये जो इंडियन ट्रायोलॉजी, मतलब थ्री नॉवेल्स कुछ हैं जो कि थ्री नॉवेल्स हैं नायपॉल ने लिखे हैं इंडिया को लेकर के, तो उन ट्रायोलॉजी में, इंडियन ट्रायोलॉजी में से वन है, तो इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन एक सेकेंड वन है और थर्ड वन है इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ, उसमें से एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो इस तरीके से जो नायपॉल की इंडियन ट्रायोलॉजी हैं उसमें नंबर वन पर एन एरिया ऑफ डार्कनेस, नंबर टू इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, नंबर थ्री इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज है। नेक्स्ट है इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट जो नॉवल है 1971 में, इस नॉवल ने जीता था मान बुकर प्राइज़।
इन अ फ्री स्टेट ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1971 में, और इस साल का मान बुकर प्राइज़ इसी नॉवल को दिया गया था। और इन दिस वे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वी एस नॉयपॉल को बुकर प्राइज़ 1971 में मिला था। तो किस बुक के लिए मिला था? इन अ फ्री स्टेट, इस नॉवल के लिए उनको मिला था। देयर इज़ अ थ्री नरेटिव शॉर्ट स्टोरीज, वन आउट ऑफ मैनी, टेल मी हु टू किल, एंड द टाइटल स्टोरी इन अ फ्री स्टेट। तो इस नॉवल में थ्री नरेटिव शॉर्ट स्टोरीज भी आती हैं, जिनके टाइटल होते हैं वन आउट ऑफ मैनी एंड टेल मी हु टू किल एंड द, और जो एक और आता है इन अ फ्री स्टेट, और उसी से टाइटल हो गया है इन अ फ्री स्टेट इस नॉवल का। नेक्स्ट पॉइंट है द मिमिक मैन। द मिमिक मैन इज पब्लिश्ड बाय एंड्रिया ड्यूस्टेस इन द यूके इन 1967। तो ये नॉवल द मिमिक मैन पब्लिश हुआ था 1967 में यूके में, एंड्रे ड्यूस्ट के द्वारा पब्लिश किया गया था। जोनर ऑफ दिस नॉवल इज पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन। तो इस नॉवल का द मिमिक मैन, इस नॉवल का जोनर जो है वो है पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन है। नेक्स्ट है द मिडिल पासेज। ये नॉवल पब्लिश होता है 1963 में, और ये भी एक ट्रेवलॉग है नॉयपॉल के द्वारा लिखा गया। एंड द बुक कवर्स अ ईयर लॉन्ग ट्रिप नॉयपॉल टुक थ्रू ट्रिनिडैड, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनेम, मार्टिनिक एंड जमैका इन 1961। तो ये सारे प्लेसेस हैं जिनको कि वन ईयर तक इन लॉन्ग ट्रिप पर नॉयपॉल रहे थे, और इन्हीं को कवर किया है इन्होंने अपने इस नॉवल द मिडिल पासेज में, ट्रेवलॉग में अपने एक्सपीरियंस और यहाँ की इन प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब किया है अपने इस नॉवल द मिडिल पासेज में। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड इफ़ समवन इज़ वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम एंड हैवन्ट सब्सक्राइब्ड येट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज वेल एज प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज टाइमली एज आई अपलोड। क्योंकि चल रही है यहाँ पर तैयारी जैसी लेक्चरर एग्ज़ाम की, और आपको वन बाय वन वीडियोस मिलते रहेंगे, आप प्रिपरेशन वीडियोस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है टेक्स अस अ रिच एंड इमोशनल जर्नी टू अ प्लेस ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट हिज बर्थ प्लेस। और ये जो मिडिल पैसेज नॉवल है, ट्रेवलॉग है, तो ये इसने इतने प्लेसेस को कवर किया हुआ है, ट्रिनिडैड, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनेम, मार्टिनिक एंड जमैका, 1961 की बात है। और ये यहाँ नॉयपॉल की रिच और एक इमोशनल जर्नी को भी बताती है। अ प्लेस ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इज़ बर्थ प्लेस, उनके बर्थ प्लेस के बारे में भी बताती है, और हमें वहाँ के एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ शेयर करते हैं नॉयपॉल अपने इस नॉवल में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जरूर डेफिनेटली यू फाउंड इट वेल, आपको अच्छा लगा है, और एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, लाइक जरूर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।